ये लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में, पूरे सूबे में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। पूरे बिहार के तमाम राज्यों के मुख्यालयों में, ऐसा कहीं नहीं, जहाँ से सारे जिलाओं से मुझको रिपोर्ट मिल रही है, सब लोग आक्रोशित। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह कार्यक्रम, आक्रोशित होने का कार्यक्रम ये हुआ कि विगत दो दिन पूर्व आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की आवाज़ जो दलितों की आवाज़ है, जो पिछड़ों की आवाज़ है, जो गरीबों की आवाज़ है, जो मजदूरों की आवाज़ है, जो मजलूमों की, लाचार और बेबस लोगों के, इंसान की जो आवाज़ है, उसी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया, जिससे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काफ़ी आक्रोशित है। इसीलिए आज के दिनों में, आज 12 अप्रैल निर्धारित हुआ, तत्क्षण हुआ, और ऐसे समय में आक्रोशित होकर के लोगों ने आक्रोश मार्च को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सर, क्या लगता है कि सामंतवादी ताकतों के इशारे पर वो उस दिन? मैं किसी ताकतों की तरफ इशारा नहीं करता हूं, लेकिन जिन ताकतों ने ये कोशिश किया है वो असंवैधानिक है, निंदनीय है, अशोभनीय है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, निश्चित तौर पर लगना चाहिए, नहीं तो फिर गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा, दलितों की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन उठाएगा कि न्यायपालिका में रिक्शा चालक, किराना दुकानदार, पान चलाने वाला, मीडिया का बेटा भी जज बने, तो कौन आवाज़ उठाएगा? इसी आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश किसी भी तत्वों ने किया है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों को मांग रखने का अधिकार है, पूर्णतः अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ संवैधानिक मर्यादाएँ, उसमें संवैधानिक कुछ व्यवस्थाएँ, आप उसके अनुकूल जो पद्धतियाँ हैं, उसमें जो नियम है, उसके नियमानुकूल आप मांग रख सकते हैं, लेकिन जो मांगे असंवैधानिक हो, निंदनीय हो, अकरणीय हो, ऐसी मांगों पर अंकुश लगना ही चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इसकी आवाज़ हो सकते हैं सर, ऐसा करने वाले जो हमारे गरीबों की जवान को दबाना चाहते, जो दबाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने न्यायपालिका में आरक्षण मांग रहा है, जिन लोगों ने पत्रकारिता में आरक्षण मांग रहा है, जिन लोगों ने शिक्षा में आरक्षण मांग रहा है कि गरीब की बेटी भी पढ़े, और आपने देखा होगा कल पूरे बिहार के 534 प्रखंडों में एक साथ 9 बजे से 10 बजे के प्रभाव में सभी कस्तूरबा विद्यालयों में किताब वितरण किया गया। ये पहली दफ़ा हुआ बिहार में ये पहली दफ़ा अगर किसी पार्टी ने हिम्मत किया, उसका नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सर, प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जा रहे थे, जिस तरह से अवरोध डालने की कोशिश की गई, नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं? कानून व्यवस्था बिल्कुल, मुझको लगता है कि जिस तरीके से चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छे पल की आवश्यकता है।